हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजमी एंड वेलकम आई चैनल द क्रिटिकल लवर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि पतंग कैसे उड़ाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को चाहिए होगी पतंग। जो पतंग चाहिए होगी वो आप लोग अद्धी ले लीजिएगा, क्योंकि मंजोली ले लेंगे तो वो बहुत भागती है, है? और जो बॉनी होगी वो पतंग वो बहुत भारी हो जाएगी, आपसे कंट्रोल नहीं होगी। और दोस्तों, आप अद्धी पतंग लीजिएगा जैसे मेरे पास है, फिर उसके अंदर आप कंधे बांधने हैं, फिर उसके बाद आपको उड़ानी है पतंग। तो दोस्तों, यही सीखेंगे कि पतंग कैसे उड़ाते हैं। तो सबसे पहले पतंग उड़ाने के लिए आपको डायरेक्शन देखना है कि हवा किस साइड की है। ये देखिए, ये पतंग उड़ रही है तो उधर से कोई इसका मतलब उड़ा रहा है, तो इसका मतलब हवा इस साइड की है। दोस्तों, हवा इस साइड की है तो हमें इस जिस साइड हवा होगी इस साइड, तो इसी तरफ कुछ इस तरीके से रख देंगे पतंग, जिस तरह हवा है। ये जो है नहीं, ये इसको चोच है, ये ठड्डा बोलते हैं, ये ठड्डा जो है इसको ऐसे एकदम सीधा रख देंगे, जिस तरफ की हवा इस तरफ की हवा तो इधर सीधा रख देंगे। अब आपको जो है ऐसे डोर पकड़नी है पीछे की, ऐसे आपको करनी है, ऐसे बस पकड़े रहिएगा। और जो आगे की ऐसे करना है, फिर इस हल्के से ये अली उंगली इधर, फिर इसको ऊपर ऐसे रख देगा उल्टा, फिर इसको आप दबा के और ऐसे कस कैसे करिएगा, और फिर ढील छोड़ दिएगा थोड़ी सी। और आपको जो ऐसे बहुत जल्दी जल्दी करना है, तभी पतंग पार होगी, वरना नहीं होगी पतंग पार। प्रैक्टिस करिएगा, कई दफ़ा हो जाएगा आपसे, उड़ जाएगी। ऐसे करना है, फिर ऐसे करके उड़ाना। ये देखिए देखिए, जैसे मैंने कर रहा, अब देखिए, ये देखिए, अब ये देखिए पतंग नीचे जा रही है, तो हमने इस तरीके से अब ऊपर कर ली झटके मार के। ये देखिए दोस्तों, जैसे नीचे जा रही है, हमने झटका मार के फिर ढील छोड़ के हल्की हल्की झटका मारा, ढील छोड़ के ऐसे ऐसे, ये देखिए पतंग पार हो जाती है। ये देखिए दोस्तों, आपके ज़्यादा जैसे पतंग नीचे जा रही है, तो आप ऐसे भी ऊपर कर सकती हैं, खींच के भी ऊपर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको फिर से एक दफ़ा करके दिखलाता हूँ। ऐसे आपको पतंग रखनी है एकदम सीधी डायरेक्शन में, फिर आपको ऐसे पकड़ के उड़ा के फिर ढील छोड़नी है, फिर झटका मार के फिर ढील छोड़नी है। ये देखिए मैं कितनी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तभी पतंग पार हो रही है। वरना जितनी देर में हम झटका मार के ढील छोड़ेंगे, उतनी देर में पतंग ये नीचे जा रही है। ऐसा ऐसे आपको करते रहना है कि पतंग पार हो जाएगी। और दोस्तों, आप पतंग जब खरीद के लाएंगे तो भी जितनी दफा भी आपकी पतंग फटे वटे, आप लोग हार नहीं माननी, हम लोग को आप लोग को उड़ानी है, जब सीखनी है तो भी पतंग चाहे फटे चाहे कुछ हो। अब मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, मुझसे भी बहुत पतंगें फटी हैं, बहुत नुकसान हुआ है। पर अब देखिए मुझे आ गई, ये देखिए। और जब हवा में आपकी पतंग जाएगी तो आप देख ही सकते हैं ऐसे टन जाएगी। और दोस्तों, आपको कंधे बहुत अच्छी तरीके से बांधने, तभी आपकी पतंग इस तरीके से उड़ पाएगी। देखिए, जैसे मेरी अभी तनी हुई है, देख सकते हैं, जो पतंग एक जगह पर रुकी रहती है उसको तनी हुई कहना चाहिए, देख सकते हैं मेरी जैसे हुई। ये देखिए दोस्तों, तो गाइस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, पसंद नहीं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।